देखिए, व्हीकल लिफ्टिंग की वारदातों को लेकर के लगातार हमारी टीम प्रयास कर रही थी। उसी क्रम में एक गैंग को पकड़ा गया है। इसमें भी एक गैंग का जो मेन मुलजिम है, शैतान जाट नाम का व्यक्ति, ये लगातार पहले भी इस तरह की वारदातें करता रहा है और अभी भी ये लगभग 2-3 महीने पहले ही जेल से छूट कर आया था और आने के बाद ही अपने दोनों साथियों के साथ मिलकर के इसने काफ़ी बड़ी संख्या में ज़िले में व्हीकल लिफ्टिंग की वारदातें की हैं। इन लोगों से इंटरोगेशन और रिकवरी की प्रोसेस में 6 रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिलें, एक जीप और 5 HF डीलेक्स और अन्य व्हीकल्स बरामद किए गए हैं। कुल 18 वाहन इनसे बरामद कर लिए गए हैं। ये बड़े स्तर पर इन्होंने पिछले 2-3 महीने में ही बहुत सारी वारदातें कर ली। अभी उम्मीद है कि हो सकता है और वारदातों का भी इनसे खुलासा होगा। ये 3 व्यक्ति जो कि इन वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे थे, एक तो शैतान सिंह, दूसरा कैलाश कुमार और तीसरा प्रहलाद, ये 3 व्यक्ति हैं जो लगातार ये वारदातें कर रहे थे। इसमें शैतान के खिलाफ पहले ही लगभग 26 प्रकरण दर्ज हैं। इन प्रकरणों में हत्या, नकबजनी जैसे प्रकरण भी हैं और चोरी के प्रकरण भी हैं। कैलाश कुमार के खिलाफ वाहन चोरी के प्रकरण है और जो तीसरा व्यक्ति है प्रहलाद, उसके खिलाफ अभी हमें आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। हालांकि उसके बारे में भी हम पता कर रहे हैं, हो सकता है उसके खिलाफ भी कुछ मुकदमे दर्ज हों। इस गैंग को पकड़ा गया। नहीं, शौक मस्ती के लिए नहीं, पैसों के लिए वारदात करते हैं। एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर रखी है, पर कोई अन्य काम नहीं करते। इसी के माध्यम से ये जो चोरी, नकबजनी, लूट और ये व्हीकल लिफ्टिंग के माध्यम से ही पैसे प्राप्त करते हैं। और भी इन्हें, हाँ, इनसे अभी इंटरोगेशन होगा। इनके और भी कोई साथी हो सकते हैं, उनका पता किया जाए। ये जो अभी पिछले दिनों में गैंग पकड़ी गई थी, उनमें भी शामिल नहीं, उनसे इनका लिंक अभी मिला नहीं, ये अलग गैंग। अजमेर के, हाँ, अजमेर के ही रहने वाले तीनों ही जो है वो अजमेर के ही रहने वाले। कहाँ कहाँ वारदात? हाँ, इन्होंने वारदातें बहुत अलग अलग जगहों पर कर रखी हैं, पर अधिकतर वारदातें जो हमने भी बरामद किए हैं वो अपने इलाके की, जैसे घूगरा के पास है, वैशाली नगर है, राम भवन है, आदर्श नगर है, मित्तल हॉस्पिटल से उठाई हुई व्हीकल भी है, किशनगढ़ है। अधिकतर वाहन जो है इन्होंने अपने अजमेर जिले से ही उठाए हैं। तीनों अजमेर के ही रहने वाले हैं, 2 हैं भुवानिया गाँव के और 1 है बनेवड़ा गाँव। 18 वाहन इनसे रिकवर हो चुके हैं। सर, कोई वाहन चुनिंदा करते हैं? जैसा कि मैंने बताया कि वैसे तो अलग अलग तरीके के वाहन ये कर रहे हैं चोरी, लेकिन ये बहुत ही रेयरली बुलेट मोटरसाइकिल चोरी की जाती है। इस गैंग ने 6 बुलेट मोटरसाइकिलें भी चोरी कर रखी थी जो बरामद की गई इनसे। निस्तारण किस तरह से करते, बेचते हैं या कोई? निस्तारण में नॉर्मली ये बेचान करके इसका निस्तारण कर रहे थे। अभी हम उस चीज़ का भी पता कर रहे हैं कि कहीं पर व्हीकल को कटवाने या उसके स्पेयर पार्ट्स निकाल के बेचने की भी इसमें कोई बातें या वारदातें हुई हैं। नहीं, चेन स्नेचिंग का इनका नहीं है। इनका ये या तो व्हीकल लिफ्टिंग करते हैं, नकबजनी करते हैं या लूट करते हैं। चेन स्नेचिंग के नहीं।